हे गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद फिरोज और मैं आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि प्लॉट कहां लेना चाहिए। अगर आप प्लॉट लेने जा रहे हैं या प्लॉट लेने के बारे में सोच रहे हैं या भविष्य में प्लॉट लेंगे जब आपके पास पैसा हो जाएगा, तो यकीनन आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। आज हम आपको 8 से 10 पॉइंट बताने वाले हैं प्लॉट लेने में जो समस्याएं आती हैं। अगर आपने इस 8 से 10 पॉइंट को जान लिया और सीख लिया तो यकीनन आपको प्लॉट लेने में कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है अच्छी सोसाइटी। प्लॉट लेने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अच्छी सोसाइटी। जब आप प्लॉट लेने जाइए तो इस बात का बेहद ख्याल करिए, जहां भी प्लॉट लीजिए वो अच्छी सोसाइटी में लीजिए, जहां पढ़े लिखे लोग हों, जहां एक अच्छा माहौल हो, वहां आपको रहने में भी अच्छा लगेगा और आपके बच्चों को, आपके आने वाले नस्लों को एक अच्छा माहौल मिलेगा। ठीक है, तो आपको अच्छी सोसाइटी में प्लॉट लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट है बड़ा पेड़, फैक्ट्री, प्लॉट के ऊपर बिजली का तार न हो। देखिए, जब आप प्लॉट लेने जाइए तो इस बात का ख्याल करिए कि प्लॉट के सामने कोई बड़ा पेड़ नहीं होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर कभी आप घर बनाते हैं और आंधी तूफान आता है तो पेड़ गिरने का खतरा होता है। और दूसरी चीज, फैक्ट्री, कारखाना या ऐसे कारोबार जो गंदगी फैलाते हैं, शोर शराब फैलाते हैं, वहां पर प्लॉट नहीं लेना चाहिए। सपोज करते हैं फैक्ट्री आसपास, वहां पर काम हो रहा है, आवाजें आ रही है, स्मेल हो रहा है, गंदगी हो रही है, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और प्लॉट के ऊपर बिजली का तार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको कंस्ट्रक्शन कराने में बहुत दिक्कत होती है, तो आपको इन सब चीजों से बचना चाहिए। तीसरा पॉइंट है प्लॉट रोड से नजदीक हो। जब आप प्लॉट लेने जाइए तो इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल करिए। आप इस बात को समझिए, जैसे ये मेन रोड है, ठीक है, और एक प्लॉट मेन रोड से 300 से लेकर 400 मीटर की दूरी पर है और दूसरा प्लॉट 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि जो रोड से नजदीक प्लॉट हो वो आपको लेना है। इसके बेनिफिट समझिए, आपको आने जाने में आसानी होगी, ठीक है, आपके बच्चे स्कूल से आ रहे जा रहे उनको आसानी होगी, आपके मेहमान आ रहे उनको आसानी होगी, आपको ऑनलाइन सामान मंगा रहे उनको डिलीवरी करने में आसानी होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो प्लॉट रोड से नजदीक होते हैं वो एरिया जल्दी डेवलप करता है, इसलिए आपको जो रोड से नजदीक प्लॉट हो उसको लेने की कोशिश करनी चाहिए। चौथा पॉइंट है रोड चौड़ी होनी चाहिए। जब आप प्लॉट लेने जाइए इस बात को तो बिल्कुल मत भूलिए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आप समझिए, आप कहीं पर भी प्लॉट लीजिए तो कम से कम 20 फीट रोड हो। कितनी? 20 फीट रोड हो। अगर आपको 25 फीट की रोड मिल रही है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आपको 30 फीट की रोड मिल रही है तो ये बहुत अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत 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 अच्छा है। लेकिन अगर आपको 15 फीट की रोड मिल रही है, ठीक है, आपको 17 फीट की रोड मिल रही है, तो आपको वहां पर प्लॉट नहीं लेना है। आप इसका बेनिफिट समझिए, अगर 20 फीट से ज्यादा रोड चौड़ी है तो आपको कार पार्किंग करने में आसानी होती है, ठीक है, और कोई बड़ी गाड़ी आती है तो उसको आने जाने में आसानी होती है। जहां पर पतली रोड होती है वहां पर गाड़ी आने जाने में दिक्कत होती है, ठीक है, कोई गाड़ी बड़ी जा रही है तो गाड़ी हटानी पड़ती है। इसलिए आपको कोशिश ये करना है कि जो 20 फीट से ज्यादा हो, 20 फीट, 22 फीट, 25 फीट, 30 फीट, वहीं पर आपको प्लॉट लेना चाहिए। पांचवा पॉइंट है प्लॉट गड्ढे में ना हो। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिए, जैसे ये मेन रोड है और मेन रोड के जमीन का एक लेबल, ठीक है, और उससे जो रोड आई है उस रोड का एक लेबल है, तो इस लेबल से आपका प्लॉट बहुत ज्यादा गड्ढे में नहीं होना चाहिए। अगर 2 से 4 फीट गड्ढे में है तब ठीक है, आप मिट्टी भरवा लेंगे, लेकिन 10 से 12 फीट गड्ढे में अगर प्लॉट है तो आपको प्लॉट नहीं लेना है। 10 से 12 फीट गड्ढे में प्लॉट कहाँ होता है? जब शहर फैलता है तो गांव की तरफ जाता है, और जो भट्टी की जमीनें होती है भट्टे वाले वहां से मिट्टी निकाल लेते हैं, वो जमीन गड्ढे में चली जाती है और उस जमीन पर प्लॉटिंग कर दी जाती है, वहां पर ये समस्या आती है। और जब आप घर बना के रहना शुरू करते हैं तो वहां पर अगर 2 घंटे ही बारिश हो जाए तो पूरा इलाका पानी से भर जाता है। इसलिए जहां पर 10 से 12 फीट गड्ढे में प्लॉट हो वहां पर आपको प्लॉट नहीं लेना चाहिए। छठा पॉइंट है प्लॉट में कचरा न भरा। आप इस बात को समझिए, आपको प्लॉट वही लेना है जो नेचुरल जमीन पे प्लॉटिंग की गई है। आपको वहां प्लॉट नहीं लेना है जहां पर कचरा भरा गया हो। आप कहेंगे ये कचरा कहां भरा होता है? देखिए, जैसे किसी का तालाब है और उसको प्लॉटिंग करके बेचना है, तो वो क्या करता है, वो कचरा भरवा देता है और उसे प्लॉटिंग कर देता है,
वो मिट्टी इसलिए नहीं भरवाता क्योंकि मिट्टी भरवाएगा तो पैसा बहुत लगेगा, जब पैसा लगेगा तो जमीन भी महंगी हो जाएगी, इसलिए वो कम खर्च के चक्कर में वो कचरा भरवाता है और फिर प्लॉटिंग कर देता है। तो आपकी आपको वहां पे प्लॉट नहीं लेना, आप इसका रीजन समझिए। अगर आप नेचुरल जमीन पर कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो उसकी मजबूती बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर आप जहाँ कचरा भरा है वहां पे कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो वहां बहुत सारी समस्याएं आती है, इसलिए आपको ऐसे जगह से बचना चाहिए। सातवां पॉइंट है मीडियम साइज का प्लॉट हो। ये प्लॉट लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप प्लॉट लेने जाइए तो आप उस प्लानिंग में लीजिए जहां पर मीडियम साइज के प्लॉट कटे। अब इस बात को समझिए, एक प्रॉपर्टी डीलर था, उसने प्लानिंग की है, जिस प्लॉट की गहराई उसने 70 फीट दिया है और चौड़ाई 30 फीट दिया है, यानी 2100 स्क्वायर फीट, ठीक है। और दूसरे प्रॉपर्टी डीलर ने प्लानिंग की है, उसने 50 गहराई दिया है और 25 फीट चौड़ाई दी है, यानी 1250 स्क्वायर फीट। तो आपको प्लॉट यहाँ लेना है, इसका रीजन समझिए। देखिए, जहां पर मीडियम साइज की प्लानिंग की जाती है वहां कंस्ट्रक्शन जल्दी होता है, वो एरिया जल्दी डेवलप करता है और वहां पर रेट भी जल्दी बढ़ते हैं क्योंकि वहां बिल्डर आ जाते हैं। और जो बड़े साइज की प्लानिंग होती है वहां कंस्ट्रक्शन धीरे होता है, तो वहां पर डेवलप भी धीरे होता है। तो जहां मीडियम साइज की प्लानिंग हो वहां पर ही प्लॉट लेना चाहिए। आठवां पॉइंट है गांव के नजदीक प्लॉट ना हो। देखिए, आप इस बात को समझिए, अगर आप शहर में जाके प्लॉट ले रहे हैं तो इस बात का भी ख्याल रखिए कि गांव के बिल्कुल नजदीक प्लॉट ना हो, उसका रीजन समझिए। जैसे गांव में भी नजदीक प्लॉट हो है अगर, तो गांव वाले उसी ओर से आएंगे जाएंगे, ठीक है। तो गांव का एक अपना माहौल होता है, गांव वाले आसपास के इलाकों में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं, अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश करते हैं, अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। तो हम अगर उनसे कुछ बोलते हैं, उनकी बातों को टोकते हैं तो लड़ाई करने को उतर जाते हैं। इसलिए आपको गांव से थोड़ी दूरी पर 100-200 मीटर की दूरी पर प्लॉट लेना चाहिए, इसलिए क्योंकि हम जब शहर में जाकर प्लॉट लेते हैं तो एक अच्छे माहौल की तलाश करते हैं जहां सुकून से हम रह सकें। तो आप थोड़ी दूर पर अगर प्लॉट लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। नवा पॉइंट है प्लानिंग में रोड निकली हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट ले रहे हैं तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। देखिए, कोई इंसान प्लानिंग कर रहा है, उसने 5 बीघे खेत में प्लानिंग की, उसने नक्शा भी बना रखा है लेकिन रोड पहले से नहीं निकाली है, वहां पर आपको प्लॉट नहीं लेना है, इसका रीजन समझिए। आप वहां प्लॉट लेने गए, उसने कहा भैया हम आपको यहाँ पर प्लॉट देंगे, ठीक है, आप रजिस्ट्री करवा लीजिए। आपने रजिस्ट्री करवा ली, अब जब आप कब्जा लेने जा रहे हैं तो वो ये यहाँ पे प्लॉट दे रहा है। तो ये समस्या तभी होती है जब रोड नहीं निकली होती है। तो जहां रोड पहले से निकली हो वहीं पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक बहुत जल्द वीडियो लेके आने वाला हूं जिसमें मैं ये बताऊंगा किस साइज का प्लॉट लेना चाहिए। सो आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।